वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज न्यू मून रिचुअल। मैं आपको इतना मिराकुलस रिचुअल बताने वाली हूँ जो आपको रोज करना है, रोज इन द सेंस हर महीने आपको ये एक बार करना है एंड यू विल सी मिराकल रिजल्ट्स जो आप यू नो कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में कि ये कितना कितना मिराकुलसली काम करता है। लास्ट मंथ मैंने आपको या कमिंग डेज में मैंने आपको एक बे लीफ रिचुअल सिखाया था जो हम फुल मून डे वाले दिन करते हैं, जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज न्यू मून टेक्निक। नया मंथ आता है तो इस न्यू मून रिचुअल को हमें हर मंथ करना है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं आज आपको यहाँ पे सब बताने वाली हूँ। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज बनाती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। प्लीज़ एक सेकंड लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ या कमिंग डेज में मैंने आपको एक बे लीफ रिचुअल बताया था, उसको हम फुल मून डे वाले दिन करते हैं, जिसको हम हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। और आज मैं आपको जो रिचुअल सिखाने वाली हूँ दैट इज न्यू मून टेक्निक। वो था फुल मून वाला, ये है न्यू मून वाला। न्यू मून वाले को हम अमावस्या बोलते हैं हिंदी में, वहीं हम फुल मून वाले को पूर्णिमा बोलते हैं। मंथ में ये दो दिन, मतलब हर मंथ में ये आता है। पहले आती है अमावस्या, जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, न्यू है मतलब स्टार्टिंग है, न्यू मंथ है तो न्यू मून टेक्निक आती है क्योंकि ये स्टार्टिंग का पीरियड होता है। और जहां हमारा मंथ खत्म होता है वहां आ जाता है ये फुल मून रिचुअल। तो आपको मंथ में करना है ये एक बार। एक दिन आप अमावस्या वाले दिन करेंगे, एक दिन आप पूर्णिमा वाले दिन करेंगे। अमावस्या वाले दिन आप कौन सी करेंगे, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, एंड जो पूर्णिमा वाले दिन जो हम फुल मून डे जिसको हम बोलते हैं उसमें हम करते हैं बे लीफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आपने उस पर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे ये वीडियो डाल रखा है। गाइस पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूं कि हमें मंथ में ये एक बार करना है। हर मंथ में ये दो दिन आते हैं, एक अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है। अमावस्या वाले दिन हमें ये जो टेक्निक करनी है जो मैं आज बता रही हूँ एंड पूर्णिमा वाले दिन हमको ये बे लीफ मैनिफेस्टेशन करना है। ओके हर मंथ इसे करना है, इसका पीरियड से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो अब आप इसको रेगुलर कर सकते हैं बिकॉज ये इससे रिलेटेड नहीं है। ओके सो लेट्स बिगिन द वीडियो, मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। पहली चीज, आपको एक पेज लेना है। एक पेज लीजिए, कोशिश करिए कि वो खाली हो, प्लेन पेज हो, नहीं तो ऐसा रूल्ड पेज भी चलेगा। मैं पेज फाड़ नहीं रही हूँ, आपको जेन्युइन दिखा रही हूँ। आपको एक ऐसा पेज चाहिए, ठीक है, और आपको इस पेज में मिनिमम आपकी 5 विशेस लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। कितनी लिखनी है, 5 विश लिखना है। ये नहीं एक बार में 10-10 विश लिख देंगे, हमें सिर्फ 5 विशेस को लेके चलना है एंड आपको ये 5 विशेस को यहाँ पे लिखना है। अब आप विशेस कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ। पहली चीज जो हमें इस टेक्निक में चाहिए दैट इज एक अच्छा पेन ले लो, रेड कलर का पेन हो तो ज्यादा अच्छा है। एक अच्छा पेज ले लो, रूल्ड भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, अगर प्लेन हो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है सब कमेंट में यही पूछेंगे ये वाला पेज, ये वाला पेज, इसलिए अभी बता रही हूँ। ऐसा आप एक रूल्ड पेज भी ले सकते हैं और चाहे तो आप एक प्लेन पेज भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इन दोनों में से आपको कोई एक पेज लेना है और एक ही पेज लेंगे। बड़ा पेज भी चलेगा A4 साइज का, ऐसा छोटा पेज भी चलेगा, बस पेज होना जरूरी है। उसके साथ आपको चाहिए एक रेड कलर का पेन, आपको ये दो चीजें चाहिए। थर्ड आपको चाहिए एक कैंडल, कैंडल लेंगे आप, सबके पास कैंडल घर में होगी, व्हाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड, किसी भी कलर की कैंडल आप ले सकते हैं। एंड आपको चाहिए एक प्लेट, प्लेट आपको चाहिए। ओके सो लेट्स बिगन द टेक्निक। अब आप ऐसा एक पेज ले लेंगे, आप एकदम आराम से, जिस दिन ये होगा न्यू मून डे, मैं डेट अभी बता दूंगी, एक वीडियो में आपको डेट बताने वाली हूँ, मैं आपको पहले ही शॉर्ट्स में बता दूंगी कौन सी डेट में आपको ये करना है। ये है 13th को आपको ये करना है। आज है आई गेस 10th, है ना, आज सैटरडे 10th, 13th को अमावस्या है, न्यू मून डे है, आपको ये टेक्निक 13th of April को करना है। हर मंथ में अमावस्या पूर्णिमा आती है तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताती जाऊंगी कि गाइस आज इस टेक्निक को कर लेना, भूल मत जाना, तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि इसको करना कैसे। तो अब आप क्या करेंगे, एक रेड कलर का पेन लेंगे और ये पेज लेंगे, ठीक है। अब आपको उसके लिए करना क्या है, शांति से तो पहले बैठ जाना, माइंड में 100 चीजें 1000 चीजों को बिल्कुल टोटली हटा देना, बस 10 मिनट 5 मिनट अपने आप को दे के आपको इस रिचुअल को दिल से करना है। हड़बड़ी में मत करना,
डेस्पिरेशन के साथ मत करना, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। बस 10 मिनट सोचना कि आज आप यूनिवर्स को एक थैंकफुल लेटर लिख रहे हो, क्योंकि मैं भी इसको ऐसे करती हूँ। क्योंकि जब हम अपनी विश किसी से मांगते हैं, गॉड से मांगे, वैसे सब एक ही होते हैं, तो हम वो डेस्परेट हो जाते हैं, हमें वो विश कब मिलेगी। तो ये तो सोचना नहीं कि हम इसके अंदर विश लिख रहे हैं, आपको ये सोचना है कि आप यूनिवर्स को एक हैप्पी लेटर लिख रहे हैं। तो आप जब उस हैप्पी लेटर को लिखेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाएगी। तो आपको एक हैप्पी लेटर लिखना है, उस लेटर में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। सो आप ऐसा पेज ले लें। अब शांति से बैठ के आप कोई 5 विशेस सोच लीजिए जो आपको करनी है, कोई भी 5 इच्छा जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। वो जॉब हो सकती है, वो लव हो सकती है, वो मैरिज हो सकता है, वो हेल्थ हो सकती है, वो मनी हो सकता है, कुछ भी। आपको बस 5 विशेस लेनी है। किसी की 5 नहीं है तो 3 ले लें, 3 नहीं है तो 4 ले लें, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लें। बस मिनिमम आप 1-2 ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको सिर्फ 5 इच्छाओं को ही लेना है। जब आप अपनी ये 5 विशेस को सोच लेंगे तो अब आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप कैसे लिखेंगे ये सुन लीजिए। इसको पेज को, हमें इस पूरे पेज को यूनिवर्स तक पहुंचाना है, तो हमें इसको थोड़ा डेकोरेट तो करना पड़ेगा, इसको ब्यूटीफुल तो बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको आज सब कुछ बताती जा रही हूँ लाइन से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है। वैसे मैं डायरी का पेज फाड़ना नहीं चाह रही, इसलिए मैं आपको एक ऐसे यहाँ पे करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा एक पेज ले लीजिए। पहली चीज जो आपको यहाँ पे लिखना है वो लिखना है डियरेस्ट यूनिवर्स। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। डियरेस्ट यूनिवर्स, हमारे प्यारे यूनिवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज डियरेस्ट यूनिवर्स, ठीक है। ये मेरा पहली चीज होगी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। नीचे लिखूंगी मैं यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आपको ये चीज लिखना है। अब आप क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके 5 विशेज है आप उनको सोच लीजिए। अब इसको करने के बाद, आप यहाँ थैंक यू लिखने के बाद, आप यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी इच्छा है ऐसे 5 नंबर्स में आपको लिखनी है। लाइन पे फोकस मत करना, बस ये लेटर यूनिवर्स तक जाना है, इसको एकदम ब्यूटीफुल बनाना। ये नहीं कि इस पर ड्रॉइंग करे, कलरिंग करे, बस इस एक पर्टिकुलर एक प्यारे से पेन से हमें इस चीज को लिखना है। अब आपको इन 5ों जगहों पे अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इच्छा है मैरिज करना है, मैं बहुत खुश हूँ दैट मेरी इससे मैरिज हो गई है। जॉब आपको चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ दैट मेरी जॉब, मुझे एक न्यू जॉब मिल गई है। आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, मैं बहुत खुश हूँ दैट मेरे पास इतना सारा मनी आ गया है। हर चीज प्रेजेंट टेंस में चलेगी। मैं अभी ही आप सब लोग को बोल रही हूँ, प्लीज अलग वे में मत जाना। मैं जैसे आप बता रही हूँ इसलिए मैं आपको सब कुछ करके दिखा रही हूँ, वरना बाद में सब कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि बताना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ लिखी, डियरेस्ट यूनिवर्स, यहाँ हम लिखेंगे थैंक यू। यहाँ पे भी लिख देती हूँ, वरना कुछ लोग को लगेगा क्या लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई भी कास्ट वाला ये कर सकता है, मैं यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। तो डियरेस्ट यूनिवर्स, यहाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी 5 इच्छा लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर। एग्जांपल, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी इससे या उस इंसान का नाम शादी हो गई है, मेरा नया घर बन गया है, मेरी हाइट इंक्रीज हो गई है। जो भी आपकी एक्सप्रेजेंट इच्छा है आपको वो यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ठीक है। बस आप उन इच्छा को सोच लीजिए, बस आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ फिर नीचे लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो ऑटोमेट हम हर जगह लिखते हैं, तो नीचे भी आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है। जब आप इसको लिख लेंगे तो आप इस पेज को ऐसे निकाल लेंगे। अब मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि सबको मुझे बताना है, सो मैं भी टेयर कर लूँगी। अब ये मेरा पेज मेरे पास आ गया, मेरी सारी विशेस मैंने इसके अंदर लिख दी है। तो ये मेरे विशेस का हो गया, नीचे भी हम थैंक यू लिखेंगे। इसको लिखने के बाद 2 मिनट के लिए आपको इसको एनर्जाइज करना है, आपको इसके अंदर एक एनर्जी डालना है। अब आप इसके अंदर एनर्जी कैसे डालेंगे, पहले आप इसको एकदम प्यार से लव करिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, मेरी ये इच्छा हो पूरी होगी। जो भी आपकी इच्छाएं जो आपने इसके अंदर लिखी है, आपको उसको अफर्मेशन के फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स। इसको खूब सारा प्यार दे के, लव दे के, एक प्यारी सी एनर्जी बना के। चाहें तो आप इसको करते टाइम मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मैनिफेस्टेशन को और ब्यूटीफुल बना देता है। कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, आपकी चॉइस का। जब आप इसको कर लेंगे तो अब आपको इसमें
टू फोल्ड्स करने हैं। अब फोल्ड्स भी देख लो कैसे करेंगे, जब इसको पूरे को लिख देंगे तो ये हो गया। आपको इसको अपनी तरफ बंद करना है, तो ये वन देखो मैंने मेरी तरफ करा है, बाहर की तरफ ना करें। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये सेकंड फोल्ड हो गया। बस ये सेकंड फोल्ड हो गए हमारे। ये फोल्ड्स करने के बाद अब आपको इसको बर्न करना है कैंडल से या दिया से, जो भी, लेकिन प्रेफर अपन कैंडल ही करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब आप इसको कैंडल में बर्न करेंगे। जब आप इसको बर्न करेंगे तो इसके कुछ एशेज आपको मिलेंगे, कुछ यू नो जल वो होते हैं ना ग्रेइश कलर के, हमें जले हुए चीज़ें मिल जाती हैं, वो आपको बर्न करना है आपकी एक प्लेट में। प्लेट में इसको ऐसे करके बर्न कर देंगे, जब ये पूरा जल जाएगा तो नीचे कुछ एशेज मिलेंगे आपको। उन एशेज को जब आप इसको बर्न भी करें तब भी आप चाहें तो प्रेजेंट में बोल सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी होगी। जितना आप थैंकफुल फील करेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देंगे, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, सो जब आप इसको बर्न कर लेंगे तो आप बाहर जाएंगे अपनी बालकनी में, गार्डन में, जहां आपको अच्छी स्पेस मिले वहां जाके आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ दिखा के, यूनिवर्स के दिखा के थैंक यू बोल के, थैंक यू यूनिवर्स, और घर में वापस आ जाएंगे। बस ये इतना सा रिचुअल आपको हर मंथ करना है। न्यू मून वाले दिन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मिरेकल्स होते जाएंगे। इसलिए मैं 5 विशेस का ले रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ये टाइम नहीं लेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। दो अमावस्या वाले दिन करा हुआ, पूर्णिमा वाले दिन करी हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत मिराकुलस रिजल्ट दिखाती है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, इसमें क्या चीज़ें करना है क्या नहीं करना। मेक श्योर आप रेड कलर का पेन यूज़ करें, 5 इच्छाओं को लें, 5 से कम भी ले सकते हैं लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं लेना है। इसको आपको कब करना है, इसको आपको रात को 8 बजे के बाद करना है, जब अंधेरा हो जाता है अमावस्या वाले दिन। वैसे ही मोस्टली यू नो न्यू मून डे वाले दिन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा यू नो अंधेरा होता है, डार्क होता है। आप जब भी स्काई में देखेंगे, आसमान में देखेंगे, तो आपको उस टाइम पे करना है। कोशिश करें आप इसको रात को 8 बजे के बाद करें तो बहुत मैजिकल रिजल्ट्स ये दिखाता है। एंड इसको करना कभी नहीं है, इसको मतलब कभी भूलना नहीं है आपको। हमेशा हर अमावस्या वाले दिन, हर न्यू मून डे वाले दिन आपको ये मैनिफेस्टेशन करनी है। 5 इच्छा लेनी है, उसके बाद आपको यू नो इस एशेस को फूंक के बस यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर देना है एंड आराम से रहना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन केस अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, जब आप इसको पूरा काम कर लेंगे तो आप बस सेकंड चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ या तो आप वॉट इफ टेक्निक करिए, या तो आप सिर्फ वो बोलिए क्या बोलते हैं मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं, और कुछ नहीं करना है इसके बाद। उस पर्टिकुलर विश के लिए कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं। इन केस कोई लोग, जैसे कि अभी मैंने आपको सब बहुत मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी रेड तारा मंत्र लिख रहे हैं ऑन डेली बेसिस लव के केस के लिए, तो आप लिख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस में। आपको उसको नहीं छोड़ना है, आपको उसको रेगुलरली करना है। और एक बात मैं सबको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आया था कि मैम मंत्रों को भी लेट गो करना होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं करना होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में हमें लेट गो करना पड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल रेमेडीज में, मंत्रों को लिखने में, मंत्रों को चैंट करने में कोई लेट गो नहीं होता। जब हमारे अंदर डेस्पिरेशन हो जाती है कोई भी टेक्निक करने से कि कब होगी वो पर्टिकुलर चीज़, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट इज़ आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। मेरा इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है कि कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशन को स्पिरिचुअल रेमेडीज के साथ जोड़ के अपनी मैनिफेस्टेशन को और फास्ट बना दें, क्योंकि मैं भी ये करते हुए आ रही हूँ पिछले 1 साल से एंड मैंने इसका रिजल्ट देखा है, दैट इज़ द मोस्ट मिराकुलस थिंग। ये नहीं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ तो मैं स्पिरिचुअल रेमेडीज नहीं करती, मैं दोनों करती हूँ, दोनों को इतना साथ में जोड़ देती हूँ, इतना ब्यूटीफुल बना देती हूँ, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली और फास्टेस्ट हो जाती हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको जो चीज़ बताई, दैट इस न्यू मून टेक्निक को करना है। अप्रैल का मंथ चल रहा है अभी, अप्रैल की न्यू मून टेक्निक का डे है 13th of April। आपको इस 13th of April को करना है रात को 8 बजे के बाद। प्लीज़ इसको करना ना भूलना। एंड 13 को मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी आप सबको याद दिलाने के लिए। एंड गाइज, इसको करके तो देखो कितनी मिराकुलस यू नो आपकी लाइफ बन जाएगी, यू विल बी शॉक्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं ये नहीं कह रही कि इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लो, लेकिन हम इसको अपने पूरे दिन में अगर 1 घंटा करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 2 मिनट भी करें ना, तो ये हमारी लाइफ में छोटे छोटे मिराकल्स को ऐड कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाह रही हूँ, मैंने पहली सारी क्वेश्चन का आपका जवाब दे दिया है। आपको उसको करना है, डो
डोंट फॉरगेट, प्लीज इसको भूलना नहीं। पीरियड्स चल रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों के कमेंट यही आएंगे कि हम इसे पीरियड्स में कर सकते हैं। येस, आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर पीरियड्स में हो तो दिया से मत करना, आप कैंडल का यूज करें। एंड सब लोग ही कैंडल यूज करें, वो और मिराकुलसली काम करेगी। सो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे इस न्यू मून टेक्निक को करना है। हर मंथ आती है ये न्यू मून वाला डे, हर मंथ आता है, मैं आपको याद दिला दूंगी। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, लेकिन इस न्यू मून डे वाले दिन आप ये टेक्निक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइज, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बे लीफ टेक्निक पे एक एक्सपेरिमेंट लाओ, तो बहुत जल्दी मेरा उस पर वीडियो आने वाला है। सो गेट एक्साइटेड। एंड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, सारे वीडियोस लिंक्ड अप हैं। अब भी वीडियो शूट करिए, क्योंकि वीडियो लाना बहुत जरूरी है आप सब लोग के लिए, एंड रात को ये वीडियो डाल दूंगी। सो गेट एक्साइटेड, डू दिस टेक्निक, डू नॉट फॉरगेट इट। कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कमेंट पे बता देना। बहुत से लोग बोल रहे होंगे इंस्टाग्राम के डीएम्स रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतने सारे मैसेज हैं, अगर मैं किसी एक का रिप्लाई करूंगी, एक का नहीं करूंगी, तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। आजकल दिन में एक दो बार तो मैं कर ही रही हूँ, अभी मैंने दोपहर को 2 बजे करे हैं रिप्लाईज, और मैं थोड़ी देर बाद और करूंगी, मतलब थोड़े घंटों का टाइम लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। मैं भी आई वॉज लाइक कि नहीं, अब रिप्लाई करूंगी तो सबका ही करूंगी, ऐसे नहीं कि एक का करूँ बाकी का छोड़ दो। सो गाइज, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे को अभी बहुत सारा काम ऑलरेडी है, एग्जाम्स भी मेरे आने वाले हैं, तो मैं बहुत जल्दी यू नो चीजें कर रही हूँ। सो प्लीज डू कोऑपरेट विद मी, डू दिस टेक्निक फुल मून न्यू मून डे वाली, यू विल सी मिरेकल्स ऑटोमेटिकली। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, कमेंट करके बताना। सॉरी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन क्योंकि मुझे ये चीज बताना था तो बताना ही था, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, टेक केयर एंड बाय।